चुनाव मीटिंग के लिए और आने वाले चुनाव मीटिंग के लिए पीछे का मतलब पंचायत करता हूँ। जो लोग नहीं आए करीब मीटिंग दौड़ से कीजिए है जो आज रूपी मोहब्बत बने बाप रूप के शोले बसा हमें रूप को ममूर कर हाँ सर नहीं भरपूर तालियों में हम जी तो तालियों में था इसके बाद आपको सलाम। मैं अपनी पार्टी नून लीग के लिए भी दुआ करता हूँ, पूरे पाकिस्तान के लिए दुआ करता हूँ और अपने एमसी बलादी के लिए भी दुआ करता हूँ और मेरे तरफ से सबको ईस्टर मुबारक हो। मेरे ख़ानदान की तरफ से मसीह भाइयों को सबको ईस्टर मुबारक। मेरी तरफ से पूरी मसीह बरादरी की तरफ से सबको ईस्टर मुबारक। प्राइम मिनिस्ट्री की तरफ से ईस्टर मुबारक सब मसीह बहन भाइयों को और मुस्लिम बहन भाइयों को। मेरी तरफ से और मेरी क्लीसिया की तरफ से और मुल्क पाकिस्तान की तरफ से और अमन क्राइस्ट चर्च की तरफ से और इस गांव की तरफ से आप सबको ईद क़यामत अल मसीह मुबारक हो। कि आज हम पाकिस्तान में आज़ाद तरीके से रह रहे हैं और आज़ादाना तौर पर हम अपनी नमाजों की रस्म करते हैं और मज़हबी आज़ादी के साथ हमने आज क़यामत अल मसीह की खुशियां मनाई हैं।
आज मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश चूँकि फरिश्तदान की पेशन गोई से हुई कि फरिश्ता मुकस्सा मरियम के पास आता है और उसे कहता है, देख तू कुंवारी होगी और तू हामला होगी और तू एक बेटा जनेगी। जब मुकस्सा मरियम फरिश्ते से कहती है कि ये क्यों कर हो सकता है, मैं तो मर्द से नावाकिफ़ हूँ, तो फरिश्ता उनको जवाब देता है कि तू खुदा की कुदरत से हामला होगी और वो जो नौमलूद बेटा होगा वो खुदा कादर मुतलिक अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। मैं कायदी ने मुस्लिम लीग नून के लिए भी दुआ करता हूँ और ख़ास कर जो हमारी आला इस्टेब्लिशमेंट है, अपने वाइस चेयरमैन नदीम सरवर साहब के लिए दुआ करता हूँ, मुश्तबा शौरमैन के लिए दुआ करता हूँ, हमदा शबाज के लिए, शबाज शरीफ के लिए, मरियम नवाज के लिए और अपने साबका वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के लिए कि खुदावंद खुदा इन तमाम को तरक्की अता करें, सेहत अता करें, तंदरुस्ती अता करें और ख़ास कर जो इन पर बनाए गए झूठे मुकदमात हैं उनको भी खुदावंद खुदा इनको जल्द अज़ जल्द बरी करें ताकि हमारे मुल्क में दोबारा इंसाफ को फ़रोग दिया जाए, अमन को फ़रोग दिया जाए, तरक्की को फ़रोग दिया जाए और हम सब मिलकर पाकिस्तान की तरक्की के लिए गामसन हो सके। पाकिस्तान जिंदाबाद।